लोकसभा चुनाव में अभी एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन विपक्षी एकता का ताना बाना बुना जाने लगा है। नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष को एकजुट करने का मकसद लेकर दिल्ली भी पहुंचे। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से नीतीश से मिलकर विपक्षी एकता के लिए कवायद की है। वो यहीं नहीं रुके, बल्कि ममता बनर्जी, शरद यादव, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को भी विपक्षी एकता के नाम पर एक साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी पार्टियों का महाकुंभ का आयोजन भी नीतीश बाबू की अगुवाई में होने जा रहा है। इस बार दो किंग नहीं, किंग मेकर की भूमिका में है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी खींचतान जारी है। ऐसे में अपने आप को पीएम का दावेदार मानने वाले बिहार के सुशासन बाबू भी इस वक्त फुल फॉर्म में है। तमाम मुद्दों को लेकर उसी सरकार को घेर रहे हैं जिसके साथ वो कभी गठबंधन में थे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि नीतीश ने हमेशा अपने हिसाब से साथी चुने हैं और भी छोड़े हैं। तो चलिए, ऐसे में आज बात करते हैं सुशासन बाबू की। कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर। आपातकाल के दौर में बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से बतौर छात्र लालू प्रसाद यादव के साथ ही राजनीति की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार अब छठी बार बिहार के सीएम बन गए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। गठबंधन की राजनीति के माहिर नीतीश कुमार ने अपने चाल से कभी मोदी को चित किया था, अब लालू को ऐसी पटकनी दी है कि वो अपने जख्म को सहला भी नहीं पा रहे। जाने नीतीश के बीते 23 साल के सियासी सफर का लेखा जोखा, जब उन्हें डूब की तरह दब दब कर निकलने में कामयाब हुए। साल 1994 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से अपने रास्ते अलग किए। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। 1995 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे, लेकिन लालू ने ऐसी पटकनी पाई कि राजनीति के रास्ते किसी रेगिस्तान में भटकते दिखे। तब नीतीश कुमार को किसी सहारे की तलाश थी। 1996 में ये वो दौर था जब नीतीश की राजनीति अपनी नींव में खाद पानी की तलाश में थी। तभी सूबे की राजनीति में हाशिए की हैसियत रखने वाले बीजेपी का साथ मिला। दोनों का गठबंधन हुआ और अगले 17 सालों तक चला। 2005 से 13 समता पार्टी अपने सफर के दौरान साल 2003 में जनता दल यूनाइटेड बन गई, लेकिन बीजेपी से गठबंधन मजबूती के साथ जारी रहा। दोनों पार्टी ने 2005 से 2013 तक सूबे में गठबंधन सरकार चलाई, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार के जिम्मे रहा और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहे। 2005 से 2013 तक सूबे में गठबंधन धर्म निभाने में नीतीश के लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी आई, उसकी वजह नरेंद्र मोदी थे। जब बीजेपी ने मोदी को पीएम का कैंडिडेट घोषित किया, तो सांप्रदायिकता के सवाल पर नीतीश ने बीजेपी के 17 साल पुराना नाता तोड़ दिया, लेकिन उनकी अल्पमत सरकार चलती रही। 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। नीतीश ने चुनावी नतीजों के दूसरे दिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी को सीएम की कमान सौंपी गई। 2015 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई। 2015 नीतीश के लिए बिहार में भी मोदी टक्कर लेना मुश्किल काम था। उधर लालू प्रसाद को भी 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। पिछले 18 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाले लालू नीतीश ने सांप्रदायिक ताकतों के हराने के नाम पर गठजोड़ का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव हुए, गठबंधन को भारी जीत मिली। नीतीश सीएम और लालू के बेटे डिप्टी सीएम बने। 2017 नीतीश लालू के 18 सालों की दुश्मनी का असर बिहार के गठबंधन सरकार के बीते 20 महीनों में सफर पर साफ दिखता है। आखिर 26 जुलाई को गठबंधन अपने स्वाभाविक नतीजे पर पहुंच गए और 15 घंटे के भीतर ही नीतीश दोबारा सत्ता में आए और 17 साल के पुराने दोस्त 4 साल बाद एक बार फिर साथ हैं।